नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि और आपका मेरे चैनल देवरुचि ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाजरे और गोंद के लड्डू। तो ये देखिए, ये है गोंद और इसके लिए थोड़ा सामान चाहिए, और ये है तिल जो कि मैंने पहले से ही हल्के से भून लिए थे, तो खाली इनको चटकाया था थोड़ा सा एक चम्मच घी डाल के। तो ये इनका कलर भी ब्राउन हो चुका है और ज़्यादा नहीं भूनने, नहीं तो कड़वे हो जाते हैं। ये है थोड़ा सा खोआ, तो मैंने बनाया था गाजर का हलवा कल, तो उसमें से थोड़ा सा खोआ बचा लिया था तो लड्डू में डाल सकूं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में हम जो है घी गरम कर लेते हैं और अपने गोंद को थोड़ा थोड़ा भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने घी बहुत ही कम लिया है क्योंकि घी कम था दोस्तों मेरे यहाँ पे, तो इस वजह से तो मैं चार चार छः छः गोंद के दाने लेके और इसको भून लूँगी, हल्का हल्का फ्राई करती रहूँगी। और इसको ना थोड़ा धीमी गैस पर ही भूनिएगा तो ये अंदर से अच्छे से पक जाएगा, यानी कि अच्छे से फूल जाएगा और उसमें जो कच्चा गोंद भी नहीं रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा हम इसको इस तरीके से भूने लेते हैं, गैस मेरी धीमे है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा गोंद मैंने भूंद लिया है और इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के और अपना सारा जितना हमें चाहिए लड्डू में उतना हम गोंद को भून लेंगे। तो गोंद डालने से होता ये है कि बाजरा के लड्डू जो हम बनाते हैं तो बहुत ही टेस्ट आ जाता है उसमें, और सर्दियों में जो है गोंद फ़ायदा भी काफ़ी करता है। और ये है मूंगफली, तो इनको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ ब्राउन होने तक। तो ये मूंगफली मैंने फ्राई कर ली है और ज़्यादा नहीं भुना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा इनका कलर हो गया है। तो ये वही सादा मूंगफली है जो हम छील के खाते हैं, तो मैंने वही दाने छील लिए थे कुछ, और ये तिल तो मैंने आपको दिखाई चुकी कि भून लिए थे। और अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और ऐड करके और उसमें आटा भून लेंगे। तो आपको जितना लड्डू बनाने हैं उस अकॉर्डिंग आप अपने आटा डालिएगा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं इतना ही डालना है या कम डालना है या ज़्यादा डालना है। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार जितने ज़्यादा लड्डू बनाने हैं उतना आटा ले लीजिए और कम बनाने हैं तो कम आटा ले लीजिए। तो मुझे इतने ज़्यादा नहीं बनाने थे, करीब 20-25 लड्डू बन जाएँ तो उतने ही काफ़ी हैं। तो ये घी मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें एक चम्मच घी और ऐड कर लिया है। तो मैं घी जो है वो धीमे धीमे ही ऐड करूँगी, एक एक चम्मच के हिसाब से, तो भुनता जाएगा और मैं घी ऐड करती जाऊँगी। तो जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी तभी मैं इसमें घी ऐड कर लूँगी, अन्यथा नहीं करूँगी। तो ये देखिए, ये गाइस मैंने दोबारा एक चम्मच और घी ऐड कर लिया है, तो लगभग करीब अब तक 4 चम्मच घी मैं ऐड कर चुकी हूँ। और ये आटा जो है मेरा भुन के एकदम रेडी हो चुका है बिल्कुल, और इसको मैं परात में निकाल के ठंडा होने देती हूँ। और यहाँ ले लिया मैंने गुड़ और इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी और इसकी बना लूँगी एक तार की चाशनी। तो गाइज, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो पहले इसकी हम गुड़ में हमने पानी डाल दिया है और इसकी हम एक तार की चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं बना लेनी है, एक तार की काफ़ी है, या बिल्कुल भी एक तार की ना बनाएं, सिर्फ गुड़ को मेल्ट हो जाने दें। और ये देखिए, ये हमारा गोंद और मूंगफली हमने भून ली थी, तो अब हम इसको गुड़ को इस तरीके से, सॉरी गुड़ को नहीं, और यहाँ पर गोंद है तो गोंद को हम हाथों से फोड़ लेंगे, अगर इसमें एक भी कच्चा गोंद होगा तो उसको हम साइड में निकालते जाएंगे। तो गाइज, ये थोड़ा सा आपको ढंग से नहीं दिखा पा रही क्योंकि एक हाथ से मैं इसको फोड़ रही थी और एक हाथ से मैं अपना फ़ोन पकड़े हुए थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और कि मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है तो मैं एक हाथ में अपने फ़ोन से ही खुद शूट करती हूँ वीडियो और दूसरे हाथ से वर्क करती हूँ मैं अपना। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि गोंद को हाथ से फोड़ लेना, तो कुछ गोंद वैसा था जो कच्चा सा रह गया था तो वो मैंने निकाल दिया, और मूंगफली को भी हल्का सा क्रश कर लिया है, और ये सारी चीज़ें मैंने गोंद मूंगफली और तिल आटे में मिला दिए हैं और हल्का सा मिक्स कर रही हूँ उनको, क्योंकि हमारी चाशनी नहीं गुड़ का जो हमने बना रहे हैं लिक्विड, तो वो होने ही वाला है, तो इसको हम पहले मिला लेते हैं। जब तक हमारा गुड़ रेडी होगा तो इसको मिला लेंगे, हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है,
नहीं तो लड्डू जो है फिर बंद नहीं पाते हैं। तो इस तरह से बस इतना ठंडा ही रखना है कि हमारे हाथ सह सके, क्योंकि गुड़ की चाशनी भी अभी काफ़ी गर्म है। तो ये देखिए, ये गुड़ का सिरप बन चुका है, और देखिए इतना ही पतला होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। तो पानी तो हम बहुत ही कम देंगे इस गुड़ में, तो इसलिए खाली गुड़ को भी आप मेल्ट करके डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने अब इसमें डाल लिया। तो किस तरीके से मैं लड्डू बनाऊंगी ये तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरे हाथ हो जाएंगे दोनों गंदे, और फिर फ़ोन से शूट कौन करेगा वीडियो। तो इसको मैं आपको चम्मच से मिला के दिखा देती हूँ, फिर फ़ोन को साइड में रख के और अपने हाथों से लड्डू बना के डायरेक्ट आप लोगों को लड्डू ही दिखाऊंगी गाइस। तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा आप लोग। तो यहाँ पे तो पड़ रही है काफ़ी सर्दी, और अब बना रही हूँ मैं लड्डू, तो सर्दियों का मज़ा और लड्डू के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है कि ठंड पड़ रही है और बैठ के बिस्तर में आप लड्डू खा रहे हैं, गजक खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, तो सर्दियों का मज़ा ही अलग आ जाता है। तो ये देखिए, अभी मैं दिखाई देती हूँ आपको, एक हाथ से ही मल रही हूँ। तो अब मैं जब लड्डू बनाने की शुरुआत करूँगी तो फ़ोन को ज़रा साइड में रख दूँगी और डायरेक्ट आपको लड्डू ही दिखा दूँगी। तो प्लीज़ गाइज, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर करा करिए, कमेंट किया करिए, आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये देखिए गाइज, ये लड्डू मेरे बन चुके हैं, और थोड़ा सा जो लड्डू का मिश्रण है मैंने वो बचा के रख लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी अब खोआ जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो ये करीब 2 चम्मच ही खोआ है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके और इनके भी मैं लड्डू बना लूँगी। तो वैसे ये लड्डू ज़्यादा अच्छे टेस्ट में लगेंगे, क्योंकि इसमें खोआ मिक्स हो चुका है। तो वैसे तो दोनों ही लड्डू टेस्टी हैं, इनमें गुड़ है, तिल है जो कि सर्दियों की मेवा बोली जाती है, और मूंगफली हैं, और अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इनमें, तो और ही ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। तो गाइस, मेरी वीडियो आज यहीं तक थी, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।